mean, I was overwhelmed. My mom and my brother came to watch the screening, and they're both very, very different people. और दोनों ही हंसे हैं, दोनों ने तालियां बजाई और दोनों ही रोए हैं. तो मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ. And so do you. Ranveer, कल सबने फिल्म देखा, स्पेशल स्क्रीनिंग था. What Deepika has to say about after watching the आप उन्हीं को पूछ लो. नहीं नहीं, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे कुछ तो कहा. ये हमारे घर की बात है सर. मामला जरा पर्सनल है. फिर भी वो जैसे आपने कहा था कॉम्प्लीमेंट कम देते हैं, मगर कुछ तो कहा होगा. स्क्रीनिंग से निकलते हुए हमारे मीडिया के फ्रेंड्स गेट पर खड़े थे, उनका चेहरा देखा होगा आपने. दैट्स आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए. शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी. शी इज वेरी प्राउड ऑफ रोहित सर. वी हैव अ एसोसिएशन हम चेन्नई एक्सप्रेस वाला. शी वाज लाइक वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी. एंड सारा, व्हाट हैव यू टू से? I mean, I was overwhelmed. My mom and my brother came to watch the screening, and they're both very, very different people. और दोनों ही हंसे हैं, दोनों ने तालियां बजाई और दोनों ही रोए हैं. तो मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ. And so do you. Of course, मैं सबसे आखिरी वाली जो जितनी लड़कियां थी सब सोनू हॉट लग रहा है. सोनू है, अभी शर्मा रहा है. अभी बता नहीं सकते किन किन लोगों ने कहा है ये बात. हॉट विलन्स का ट्रेंड चल रहा है आजकल. रोहित जी, हाँ आपके सामने, आपके ठीक सामने. ये अरुण की वॉइस है क्या? हाय, क्या बात है. नहीं मैं इसको जान. रोहित जी एंड रणवीर, सभी से सवाल ये है कि डेफिनेटली फिल्म धमाका करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है एंड जिस तरह से गाने का 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है गाना आंख मारे वाला. आई थिंक फिल्म रिलीज होने से पहले 200 क्रॉस कर जाएगा. एंड तो जिस तरह से हम देखते हैं कि वेस्ट के गाने इस तरह से मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं, एंड हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ये गाना जिस तरह से क्रॉस हो रहा है, आप मानते हैं कि बहुत बड़ी ओपनिंग मिलने वाली है, बहुत ही धमाका करने वाली है? सभी से सवाल रणवीर सारा. नहीं, जनरली बताऊँ, मतलब 13 फिल्म का एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, यू नो, कि कितनी बड़ी ओपनिंग लगेगी और कितनी बड़ी हिट होगी. सब कोशिश करते हैं अच्छी बनाने के लिए. एक है कि अवेयरनेस हो जाता है, एक अगर हिट गाना हो तो उससे अवेयरनेस बढ़ता है, अरे ये कौन सी फिल्म का गाना है, कौन सी फिल्म का गाना है. सो सॉन्ग सिर्फ उतना हेल्प करता है अवेयरनेस के लिए. उसके बाद पिक्चर देखना या ना देखना ना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होगा फैमिलीज में, मास में या कॉलेज स्टूडेंट्स में. जब प्रोमो आता है पहला तो दे डिसाइड कि हमको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है. जो गाना हिट गाना ऑलवेज वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर लेता है. सो वो अवेयरनेस डेफिनेटली क्रिएट हो गया. अब फिल्म का तो फ्राइडे ही पता चलेगा. सारा, रणवीर जी, यही सवाल यही कि मिलियंस ऑफ व्यू आ गए हैं, ट्रेलर की बात करूं या गाने की बात करूं, फिल्म से और उम्मीदें आपकी बढ़ जाती हैं? क्योंकि जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह से ट्रेलर, गाने का रिस्पांस मिल रहा है. सॉरी, मैं दीपिका के ख्यालों में खोया हुआ था. फ्रैंकली मतलब आपने फिल्म नहीं देखी? फिल्म नहीं देखी आपने? I'm sorry. आपने फिल्म नहीं देखी? आप दीपिका के ख्यालों में ही थे. फिल्म तो देखी, दीपिका ने भी देखी. भाई रोहित सर को इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए दीपिका ने कि मैंने कहा मेरे को भी कुछ बोल. मैंने उसको बोला देगी ना, हम लोग का पुराना एसोसिएशन है, तू अभी ज्वाइन हुआ है कैंप में. सारा, अच्छा सारा जी एंड रणवीर जी, सारा जी एंड रणवीर जी, एक सवाल. मुझे ये स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, नंबर्स मेरे को समझ में नहीं आते यार. मैं धंधे वाला नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, तो मेरे को वो टाइप के सवाल कर. अच्छा एक सवाल ये, रिसेंटली सारा जी एंड रणवीर जी, एक प्रोग्राम में आपने सारा एंड कार्तिक आर्यन की मुलाकात कराई. आया तू अभी? आया आया अरुण इज इन फॉर्म ना, ये पावर प्ले में चल रहा है अरुण. हम ऐसा माने रणवीर, इंडस्ट्री के लव गुरु हैं आप. आपको लव गुरु माने, जिस तरह से आपने मुलाकात करवाई सारा एंड रणवीर. गुरु जी, लव गुरु, आप बताइए कुछ. अरुण आप भी मिल लेना इसके बाद. सारा ऑकवर्ड फील कर रही. सारा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो क्या है, कौन नहीं चाहेगा कार्तिक और सारा को एक फिल्म में साथ देखना. बोथ आर यंग एंड टैलेंटेड, मच लव्ड आर्टिस्ट्स ऑफ आवर न्यू जेनरेशन. इसलिए मैंने कहा आप मिल लो, you can exchange notes as actors, discuss acting theory, और हाँ मतलब
हाँ अच्छा होता है ना, अच्छा होता है ना, लोगों को मिलना चाहिए, मतलब मिलना जुलना इज गुड। हाँ